देखिए ये हमारा स्फीयर होता है, ठीक है, ये स्फीयर है हमारा, इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये आर है तो ये भी आर कहलाएगा। हमने क्या किया है कि इसकी रेडियस के यानी कि इसकी हाइट के बराबर, इसकी हाइट के बराबर, तो इसकी हाइट क्या होगी, 2r होगी या नहीं होगी, क्योंकि दो रेडियस का मिक्स करके तभी तो हाइट बनेगी इसकी। हमने एक क्या लिया है, सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया है जो अप्रोक्स इसकी हाइट और रेडियस के बराबर, ये इसकी हाइट हो गई। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है, जितनी हमारी सर्किल की हमारी एरिया होगा उसमें इनटू एच करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या निकल के आएगा, सिलेंडर। अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूले में ये एच जो है उसकी जगह हम 2r को रखते हैं, बात तो सेम ही है क्योंकि एच और 2r की वैल्यू बराबर है क्योंकि हमने उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, तो हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इनटू 2r। तो 2 को हम आगे ले लेते हैं तो क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर इनटू r, आर स्क्वायर इनटू r कितना बनेगा, 2 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा एक वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला निकल के आया। अब हमको एक प्रैक्टिकल करना है कि जो हमने ये सिलेंडर लिया था, इस सिलेंडर में हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्फीयर लिया है हम ऐसा स्फीयर लेंगे कि ये पानी से पूरा फिल हो जाए, किससे फिल हो जाए, वाटर से, और इस वाटर को हम इसमें डालेंगे, ठीक है। जब हम इस वाटर को इसमें डालेंगे तो हम एक काम और करेंगे कि इसके तीन हिस्से के बराबर इसमें निशान लगा लेंगे, यानी कि इस सिलेंडर का तीन इक्वल हिस्से हो जाए। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम देखेंगे ये पानी हमारा कितने लेवल तक बढ़ जाएगा, इसके दो हिस्से पूरे पूरे बढ़ जाएंगे, तो यानी कि कितने हिस्से बढ़ गए इसके टोटल, 1/3 + 1/3, ये बराबर हो गया 2/3। ओके, तो यानी कि इसका जितना वॉल्यूम है और हमारा स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसमें 2/3 की एक हमारी कैलकुलेशन निकल के आ गई, यानी कि इसका 2/3 वाला एरिया भरा। तो अगर हम इस पूरे जो इस वॉल्यूम है उसका 2/3 पार्ट निकालते हैं तो हमारा किसका एरिया किसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, स्फीयर। तो हमें देखो अभी ये पता लग गया था कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 2πr³। तो अगर हम 2πr³ में 2/3 वाला एरिया निकालें तो 2/3 का एरिया हमने निकाला 2πr³ से, तो हमने देखा क्या निकल के आ गया फार्मूला हमारा, 4/3πr³, यही हमारा वॉल्यूम का स्फीयर का एरिया होता है।